Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your English book of class 2, Better English Literacy Skills by Maria Reilly. I am your English teacher. Dear students, kindly note down the following units. We will read these units in midterm. These are the units. Unit 1, School Sports Day. Page 4 to 7. Unit 2. Lapa Lion Learns to Roar. Page 8 to 11. Unit 3. Cats and Mice. Page 12 to 15. Unit 4. Frogs. Page 16 to 20. Unit 5. Megal Helps Out. Page 21 to 24. Unit 6. Choosing Shoes. Page 25 to 28. Unit 7. Little Mouse Leaves Home. Page 29 to page 32. Unit 8, Crawley the Caterpillar. Page 33 to 37. Extension work is also the part of course contents. We will cover these topics in English B. Numbers means singular plural, 10 words. Genders means masculine, feminine, 10 words. Antonyms means words opposites, 10 words. Forms of verbs, 10 words. Parts of speech, only pronoun. And comprehension passage. Okay, now we will start the unit 1. Unit 1. It is a comprehension. Comprehension means to understand something clearly. Means किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना. The title of this unit is School Sports Day. School के खेल कूद का दिन. We will read and translate it. It is nearly summer. ये तकरीबन मौसम गर्मा है. Nearly means in Urdu, kariban ya takriban. Summer means mausame garma ya garmi ka mausam. Soon, it will be school sports day. Bahut jal school ke khel kood ka din hoga. We will have lots of fun. Hame bahut maza aayega. Fun means maza ya tafri. We will be running and jumping. We will be running and jumping. Hum daudenge aur chhalange lagayenge. Running means daudna. Jumping means chhalange lagana ya kudna. There will be lots of races. Wahan par bahut se दौड़ के मुकाबले होंगे. Even for mums and dads. यहाँ तक के अम्मी और अब्बू के लिए भी. The egg and spoon race is good fun. अंडे और चम्मच की दौड़ का मुकाबला एक अच्छी तफरी है. Sometimes, कभी कभार, the egg falls off the spoon. Anda chammat se gir jata hai. Kabhi kabar anda chammat se gir jata hai. Sometimes means kabhi kabar ya baz aukat. Egg, anda falls off, gir jata hai the spoon, chammat se. The seek race is tricky. बोरी की दौड़ का मुकाबला एक अनोखा मुकाबला है. एक अनोखी रेस होती है. एक अनोखी दौड़ का मुकाबला होता है. हम ये भी कह सकते हैं कि जो बोरी की रेस होती है वो अनोखी या मुश्किल होती है. यू हैव टू गेट इन टू अ सीक. आपको बोरी में जाना होता है. एंड जंप और छलांग लगानी होती है. एंड जंप
और छलांग लगानी होती है एंड जंप और छलांग मतलब इस मुकाबले में आपको बोरी पहनकर दौड़ना होता है जिस तरह के इस तस्वीर में दिखाया गया है. In the three-legged race, you run with your friend. तीन टांगों की रेस तीन टांगों की दौड़ के मुकाबले में यू रन आप भागते हैं विद योर फ्रेंड अपने दोस्त के साथ. मतलब ये एक ऐसा मुकाबला होता है जिसमें आपकी टांग के साथ आपकी दोस्त की टांग भी बांध दी जाती है और आपको भागना होता है. इफ़ यू फॉल अगर आप गिर जाते हैं योर फ्रेंड विल फॉल आल्सो तो आपका दोस्त भी गिर जाता है. देन इट इज़ हार्ड टू गेट अप अगेन तो फिर दोबारा उठना मुश्किल होता है. देन मीन्स फिर हार्ड मीन्स मुश्किल टू गेट अप उठना अगेन दोबारा. द टीचर ब्लोज अ विसल उस्ताद या उस्तानी सीटी बजाती है जिस तरह कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. द टीचर ब्लोज अ विसल उस्ताद या उस्तानी सीटी बजाती है. इट इज़ अ विसल इन द माउथ ऑफ द टीचर टू स्टार्ट ईच रेस हर मुकाबले को शुरू करने के लिए उस्ताद या उस्तानी सीटी बजाती है. इफ़ यू विन अगर आप जीत जाते हैं यू गेट अ मेडल तो आपको एक तमगा मिलता है. समटाइम्स कभी कभार देयर आर ट्रीट्स फॉर एवरीवन कभी कभार दावतें होती हैं हर किसी के लिए. मतलब जो जीत जाता है तो फिर उस खुशी में दावतें की जाती हैं एक दूसरे की. समटाइम्स कभी कभार देयर आर बेबी रेसेस टू कभी कभार छोटे बच्चों के मुकाबले भी होते हैं. बेबी रेसेस कैन बी फनी बच्चों के मुकाबले मज़ाहिया हो सकते हैं. समटाइम्स द बेबी स्टॉप एंड रन बैक टू देयर मम और डैड कभी कभार जो बच्चे होते हैं वो रुक जाते हैं एंड रन बैक और वापस भाग जाते हैं टू देयर मम अपनी अम्मी की तरफ और डैड अपने अब्बू या अब्बू की तरफ. मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो दौड़ शुरू होने से पहले ही या दरमियान में वापस अपनी अम्मी या अब्बू की तरफ चले जाते हैं. समटाइम्स कभी कभार दे जस्ट स्टॉप वो यकदम रुक जाते हैं एंड क्राई और रोना शुरू कर देते हैं. Now, open page 5. We are moving towards the exercises of this unit. Exercise A is answer the questions. For completing the answers, we will put these words in the blanks. First question is, what will happen soon? बहुत जल्द क्या होगा. द आंसर इज सून इट विल बी डैश. बहुत जल्द क्या होगा. द सूटेबल वर्ड इज स्पोर्ट्स डे. नाउ द आंसर इज सून इट विल बी स्पोर्ट्स डे. बहुत जल्द स्कूल के खेल कूद का दिन होगा. क्वेश्चन टू इज हु हैज़ द विसल. किसके पास सीटी है. द डैश हैज़ द विसल. एज यू हैव सीन इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज 4 हु हैज़ द विसल. द सूटेबल वर्ड इज टीचर. The teacher has the whistle. उस्तानी के पास सीटी है. Question 3 is, what do you get if you win? आपको क्या मिलता है if you win? अगर आप जीते.
यू गेट अ मेडल, आपको एक तमगा मिलता है इफ यू विन, अगर आप जीते या अगर आप जीत जाते हैं. इट इज द पिक्चर ऑफ अ मेडल यू कैन सी. क्वेश्चन 4 इज व्हाट डू बेबीज डू, व्हाट डू बेबीज डू मींस ड्यूरिंग द रेस, दौड़ के मुकाबले में बच्चे क्या करते हैं. समटाइम्स कभी कभार दे डैश एंड डैश एज यू हैव रेड इन द यूनिट दे डैश, द सूटेबल वर्ड इज स्टॉप, दे स्टॉप एंड क्राई, कभी कभार वो रुक जाते हैं एंड क्राई और रोते हैं. क्वेश्चन 5 इज टिक, इट इज द साइन ऑफ टिक फॉर द रेसेस यू लाइक, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, विच रेस डू यू लाइक, एग एंड स्पून और थ्री लेग्ड और सीक. इफ यू लाइक सीक रेस देन टिक ओनली दिस वन ब्लॉक, इफ यू लाइक थ्री लेग रेस देन टिक दिस वन ब्लॉक, एंड इफ यू लाइक द फर्स्ट वन देन टिक एग एंड स्पून. क्वेश्चन 6 इज इफ यू फॉल डू यू, अगर आप गिरे तो आप नंबर 1 गेट अप उठ जाएंगे, नंबर 2 लाफ हंसेंगे, नंबर 3 क्राई आप रोएंगे, नंबर 4 गो होम या घर जाएंगे. द आंसर डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. ओके फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू, ओके एंड देन टेक only one block. Okay, students, thank you.